नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जाति ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बनने के क्या कारण होते हैं, क्या इसकी निशानियां हैं, क्या इस ऋण का असर होता है और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस ऋण का उपाय क्या है, जाति ऋण का उपाय क्या है, लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, जाति ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे क्या कारण होते हैं, इसकी क्या निशानियां होती हैं, क्या इसका असर होता है और इस ऋण का उपाय क्या है। दोस्तों इस ऋण का संबंध, जाति ऋण का संबंध सूरज से है। दोस्तों जब जन्म कुंडली में, दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी इस ये ऋण देखा जाएगा तो जन्म कुंडली में देखा जाएगा, इस ऋण को वर्ष कुंडली में नहीं देखते, तो इस ऋण का वर्ष कुंडली से कोई संबंध नहीं होता, वर्ष फल से कोई संबंध नहीं होता, तो इस ऋण को हमेशा जन्म कुंडली से देखा जाता है। तो दोस्तों जब सूरज के घर, अब सूरज का घर है दोस्तों जन्म कुंडली का खाना नंबर 5, तो जब सूरज के घर खाना नंबर 5 में, सूर्य ग्रह के घर खाना नंबर 5 में शुक्र बैठा हो या पापी ग्रह हो, पापी ग्रह होते हैं दोस्तों शनि राहु केतु, तो जब सूरज के घर खाना नंबर 5 में, 5th हाउस में शुक्र बैठा हो या पापी ग्रह बैठे हों शनि राहु केतु, तो दोस्तों ये जाति ऋण बनता है। अब दोस्तों इस ऋण के बनने का क्या कारण होता है, तो दोस्तों इस ऋण के बनने का कारण है कि व्यक्ति नास्तिक होता है और पुराने रस्मों रिवाज को नहीं मानता, अंत खराब होता है। दोस्तों इस ऋण की क्या निशानियां हैं, इस ऋण की जो आम निशानी है वो ये है कि इस उस व्यक्ति के घर में, उस इंसान के घर में जमीन के नीचे भट्टी या छत में से रोशनी आने के रास्ते आम होंगे। दोस्तों इस ऋण के असर के बारे में बात करते हैं कि इस ऋण का क्या असर होता है। तो दोस्तों लाल किताब में लिखा हुआ है कि जब इंसान जवान हुआ तो उसका शरीर, सिर और पांव राज दरबारी हवाओं के मंदे झोंकों से तंग आने लगे। मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका, राज दरबारी हवा मतलब राज दरबार होता है गवर्नमेंट, सरकार, तो सरकार की तरफ से, राज दरबार की तरफ से हर तरह की मंदी खबरें आने लगे, मतलब सरकार की ओर से परेशानियां होने लगे और जवानी के लिए दुख और गरीबी अपने आप आकर मिलने लगे, बचपन की उम्मीदें खत्म हो जाएं। आगे लिखा है दोस्तों कि कर्जा किसी ने लिया हो और बेवजह मुकदमा इंसान के नाम हो जाए, मतलब जिसकी कुंडली में जाति ऋण बनता है तो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कर्जा किसी ने लिया हो और बेवजह मुकदमा इंसान के नाम हो जाए, किसी ने नहीं देखा कि कसूर किसका है। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानियों का, दुख का, तकलीफ़ों का सामना करता है और किसी और की परेशानी उसके गले में आ जाती है। अब दोस्तों और आगे इसके बारे में बताया गया है कि तकलीफ कुछ और, मतलब शरीर में कुछ और तकलीफ हो रही है पर बीमारी का नाम कुछ और देकर उसका इलाज किया,
अब इसके लिए एक एग्जांपल इसमें दिया है पंडित जी ने लाल किताब में, जैसे इंसान के बाजू में जो दर्द हो रहा है, मतलब इंसान के बाजू में दर्द हो रहा है, तो इंसान के बाजू में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह है जिगर की खराबी, मतलब लीवर की प्रॉब्लम। अब जिसके लिए दिल और जिगर का ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इलाज किया गया दांतों का और सारे दांत ही निकलवा दिए, मतलब ये हुआ कि उस इंसान पर हर तरह की जहमत मुसीबत गले पड़ती है। और दोस्तों योग्यता और किस्मत को उठती जवानी से बुढ़ापे के शुरू तक, आम तौर पर 48 साल की उम्र तक, शरीर के अंदर दबी हुई हर एक इच्छा दम तोड़ती हुई दिखाई दी, और ज्यों ज्यों, मतलब जैसे जैसे आजा, इसका मतलब है दोस्तों शरीर के अंग, जैसे हाथ पांव सिर, तो जैसे जैसे शरीर के अंग, सिर हाथ पांव वगैरह कमजोर हुए और सिर खुद ब खुद हिलने लगा, तो कुछ राहत महसूस होने लगी, जैसे शांति की कुछ ठंडी हवा के झोंके साथ देने लगे, मतलब कुछ मदद महसूस हुई, कुछ उसको इन सारी परेशानियों से राहत महसूस होने लगी। और दोस्तों खासकर कब, जिस वक्त कोई बच्चा, खासकर पोता उस व्यक्ति का, तो जिस वक्त कोई बच्चा खासकर पोता 11 महीने या फिर 11 साल की उम्र का हुआ। दोस्तों ये जो सारी बात मैंने बताई है, इसका जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि जवान होते ही सरकारी परेशानियां होने लगती हैं, जिसके कारण दुख और गरीबी पल्ले पड़ जाती है, दुख और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। इंसान कर्ज के बोझ से दबा होगा, कर्ज के बोझ से दब जाएगा, और इन हालतों से, इन परेशानियों से कुछ छुटकारा, तो कुछ छुटकारा बुढ़ापे में मिलेगा। अब दोस्तों जाति ऋण का उपाय क्या है, तो दोस्तों लाल किताब में जो पंडित जी ने इसके बारे में उपाय बताया है वो ये है कि कुल खानदान के हर एक मेंबर से, मतलब खानदान के हर एक मेंबर से, सदस्य से, जहाँ तक कि खून का असर हो, मतलब खून का रिश्ता हो, उन सब का बराबर हिस्सा लेकर, मतलब उन सबसे बराबर पैसे लेकर यज्ञ करना, मतलब खानदान के हर एक मेंबर से जहाँ तक खून का असर हो, मतलब खून का रिश्ता हो, उन सब से बराबर पैसे लेकर यज्ञ करना, ये इसका दोस्तों जाति ऋण का उपाय लाल किताब में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।